आप देख रहे हैं शोषित पीड़ित समाज की मजबूत आवाज़ एकलव्य मानव संदेश की विशेष रिपोर्ट, जिसमें उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से एकलव्य मानव संदेश रिपोर्टर राज बहादुर ने एक विशेष रिपोर्ट भेजी है, जिसमें आप देख रहे हैं बांदा जिले की तहसील बबेरू के ग्राम घोसल केवट पुरवा में जो थाना क्षेत्र है कामसिन, वहाँ के 25 के परिवार लगभग हैं, जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी 200 के आसपास लोग अपना घर छोड़ करके खेतों में झुग्गी बसा कर रह रहे हैं। इन परिवारों द्वारा चित्रकूट बांदा का जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ के सांसद आर के पटेल और भाजपा जिला अध्यक्ष रामकृष्ण निषाद व क्षेत्रीय विधायक आज और अधिकारियों सभी को अपनी सूचना दी है, लेकिन कोई भी इनकी सुनने को तैयार नहीं है। इनकी समस्या रास्ते को लेकर है, इन निषाद परिवारों के लिए रास्ता नहीं है, रास्ते का निर्माण कराना चाहते हैं जिसकी आवाजाही सुगम हो चुके, लेकिन दबंग यादव परिवार रास्ता देने को कतई राजी नहीं है। यहाँ तक कि सांसद के निर्देश पर डीएम एसडीएम मौके पहुँचे, 7 परिवारों को जंगल से लाकर स्थाई गांव में रुकवाया भी, लेकिन अब तक पता चला है कि एसडीएम ही विस्थापित निषादों को धमका रहे हैं, जिससे उन्हें दोबारा जंगल की तरफ आना पड़ा और प्रशासन मौन है, दबंग जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं ऐसा पता लगा है। और इस तरह की घटना से एकलव्य मानव संदेश ने राज्यसभा सांसद विश्वम्भर प्रसाद निषाद जी को भी अवगत कराया है, जिससे उनकी मदद की जा सके और सरकार से मांग के कि इनको जल्दी से जल्दी सहायता दी जाए। और आप सुनिए क्या कहते हैं पीड़ित ही, अपनी कहानी सुनिए उनकी जवानी। अलीगढ़ से बोल रहा हूँ, एकलव्य मानव संदेश का संपादक डॉक्टर जसवंत सिंह साहब। जी 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 नमस्ते भाई जी, ठीक है? जी जी जी, आप लोगों की खबर मेरे पास आई थी, मैंने वो लगाई भी है लेकिन वीडियो में नहीं लगाया था, आज लगाऊंगा। हाँ, क्या अब तक हुआ है, क्या परेशानी है, थोड़ा बताओ। महोदय जी, हम इतना पीड़ित है निषाद परिवार यादवों से कि आज 4 महीने से ज्यादा हो गया और उसमें रास्ते के विवाद को लेके है। ठीक है, आप जो रह रहे हैं वो 4 महीने हो गए हो? नहीं, यहाँ नहीं हुआ, गांव की बात बता रहा हूँ हम। रास्ते की विवाद से 4 महीने से ज्यादा हो गया, वैसे तो कई सालों से परेशान थे। हाँ हाँ, 2004 में वहाँ नरेगा के पास सर मिट्टी पड़ गई थी, पहले 2004 की बात बता रहा हूँ। अब वो दो अब वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड भी लगाया है जहाँ तक मिट्टी पड़ गई थी। लेकिन समस्या अब वर्तमान में जो हमारे वर्तमान प्रधान थे, हमने कहा रास्ते में बहुत दिक्कत है, इसको नया निर्माण करवा दीजिए। तो उन्होंने मिट्टी स्टार्ट कर दिया, लेकिन मिट्टी को रोक दी गई। एक यादव गांव पूरे गांव भर से दबंग है और सबको दबा के रखा है उसने, बल्कि लफड़ा 100 मीटर, 150-200 मीटर तक का लफड़ा है। अगर सोचा जाए कागज के मुताबिक, अगर नापा जोखा जाए तो उसकी जमीन भी नहीं पड़ रही, लेकिन वो कब्जे के हिसाब से दबंग है, घुमा फिरा है, मतलब तो वो कब्जा किए बैठा है। तो वही यादव ने साहब परेशान कर दिया, यहाँ तक हम जिला शासन को, शासन सबको परेशान हो गए, SDM तक। मतलब हमारे जैसा संघर्ष हो सकता है कि देहात के मामले में कोई न किया हो, लेकिन निष्कर्ष कुछ अधिकारियों ने निकाला नहीं है। लास्ट में वो खरीद लेता है सर, इतना बड़ा आदमी है कि वो मान लो, जैसे मान लो छोटा से थाना से लेके चलो, दरोगा को खरीद लिया तो पुलिस दरोगा कहना मानेगी। और राजस्व विभाग का काम है नापने तौलने का, राजस्व विभाग में SDM को खरीद लिया तो सारे जो कर्मचारी होंगे उसके हिसाब से करेंगे। तो सर यही मामला हुआ, पुराना SDM था वो रिटायर, मतलब वो चला गया, हटवा दिया गया, नया SDM आया, इससे हमारी उम्मीद थी कि हमको न्याय मिलेगा। 10 दिन पहले यही SDM विधायक जी के द्वारा हमको बुलवाया गया कि परिवारों को बुलाया जाए, मैं पूछूं थोड़ा सा। तो हम विधायक जी के पास गए, विधायक जी हमको SDM के पास गए, SDM ने कहा ठीक है चलिए शनिवार को मैं आऊंगा, तुम्हारा पूरा जो है नाप तौल करवा के तुम्हारी रोड सीरियल करवा दूंगा। अब सर हमें ये खुशी हुई कि चलो नए SDM आए हैं, चलो हमारा न्याय हो, न्याय के लिए हम गुहार लगा रहे थे। लेकिन जब शनिवार को आए हैं तो आने के बाद बढ़िया हमारे यहाँ एक जगत बनी है, कुआं है, पीपल का पेड़ है, वहीं बैठ कर उन्हें विपक्षियों ने मिठाई खिलाया, मिठाई खिला करके देख रेख करके, और उल्टा मतलब हमारी ही कानर पकड़ लिया है और गाली गलौज को तो भी हम ही लोगों को, तुम लोग गाली परेशान करते हो, राजनेता करते हो, नेतागिरी करते हो। मगर सर हम कहाँ से नेतागिरी कर रहे हैं,
और नहीं निकलता, रास्ता नहीं निकलने पा रहे हैं, जाओ नहीं निकलना देते हैं, गाली गलौज करते हैं। अब अगर इतना नहीं कहेंगे आप तो कुछ किससे कहेंगे? आपसे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं और अगर हमारा न्याय नहीं आप करेंगे तो हम कहाँ जाए ये बताओ। मतलब उनके बच्चों के सामने जो है एक लड़के की कॉलर खींच करके पवन में गिरा ली एसडीएम साहब, इसके बाद धमकाया चले वाले गए, जैसे वो चले गए लगभग 4-5 बजे की बात है। उनके जाने के बाद वो जो है विपक्षी लोग 4 लोगों को लेकर के वहीं मतलब हमारे घर के थोड़ा लगभग 50 मीटर दूरी से मतलब ललकारने लगे, गाली देने लगे, तुम कोई देख लेंगे, निकलो घर से बाहर निकलो, ये करेंगे वो करेंगे। हम बताइए इस तरह की बात घूमे हमको ये हुआ कि यार अगर हम माल नजर में पड़ते हैं दबंग है, जब हमारी कोई सुनाई जिले तक नहीं हो रही है तो अगर ये मार ही डालेंगे तो क्या करेंगे, 1,00,000 रुपए दे देंगे और सेवा समाप्त हो गई। तो इसलिए सर महोदय जी हम वहाँ गांव छोड़ के पूरी निषाद। गांव का नाम क्या है? गांव का नाम क्या है? मेरा नाम राम बाबू निषाद है सर। मेरा गांव का नाम जो है घोसा कलकरपुर के नाम से जाना जाता है, थाना का मासिंग पड़ता है, तहसील बघेरू पड़ती है, जिला बांदा पड़ता है। तो अभी अभी आप डीएम साहब से मिले कभी सिलसिले में? डीएम साहब उनके पास पूरा ज्ञापन पहुँच गया है और सब कुछ उनको पता भी है, नहीं पता हुआ होगा तो जब मोबाइलों में चल रहा है, आज हमको 12 तारीख के निकले हुए हैं, सब कुछ उनको दिखेगा। लेकिन हम जंगल सोन से परिवार को छोड़ के नहीं जा पा रहे हैं। अभी कल की ताजी घटना बताएं, एक बकरी को भेड़िया ने 12 बजे रात को पकड़ ले गया है। तो अब परिवार छोड़ के हम जंगल से नहीं सर जा पा रहे हैं, न अधिकारियों के पास न कर्मचारियों के पास, जब 4 महीने दौड़ धूप के कोई अधिकारी नहीं सर बचाए, इतना हम पीड़ित हैं, इतना पीड़ित। मेरा नाम राम बाबू निषाद है। यही विनती है आपसे कि खाली हमारे इस मैटर को देखिए, हम निषादों में मैं ये भी जानता हूँ कि हमारी निषादों की कोई छतुरी नहीं है। कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ। क्यों अगर छतुरी होती तो हम कम से कम अगर ना शरीर बचा पाते तो कोई बात नहीं है, हम हैं आपके साथ, हमारी अधिकारियों। मैं चाहता हूँ आपसे विनती करता हूँ कि कम से कम इस मामले को उजागर करके उन दबंगों को सख्त कार्रवाई करवाने की कृपा करें, ताकि जो है हमको न्याय मिले, सिर्फ न्याय, अन्याय नहीं। न्याय हम करते हैं भाई, गांव में रहेंगे तो निकलेंगे नहीं, आप बताएं। नहीं आप मुझे नंबर भेज दो, पूरे गांव का निकालो का ताला लगा हुआ है, गांव में रहेंगे तो निकलेंगे, आना होगा जाना होगा। कितने घर है आपके लिए? तो निषादों के ज्यादा से ज्यादा 25-26 परिवार है सर वहाँ। 26 तो मतलब करीब 150 लगभग 200 आदमी मान लो, 200 से ऊपर समझो आज प्रेजेंट काल में। हाँ अगर इस तरह लिया करके तो नदी कौन सी है आपके पास में? वो नदी दिख रही है नदी? हाँ सर बागे नदी के किनारे हैं, पूरा जंगल एरिया है। हाँ वो दिख रहा है। हाँ जंगल एरिया पूरा भाग है नदी के किनारे। जहाँ आप इस वक्त हो वहाँ से गांव कितनी दूर है आपका? गांव हम जहाँ नदी से समझ लो कि गांव लगभग 0.5 किलोमीटर पड़ेगा। अगर जहाँ आप बसे आकर के रुक गए हो, जहाँ अपना डेरा डाला है, वहाँ से गांव कितनी दूर है? जहाँ से हम जहाँ पे रुके हुए हैं, यहाँ से हमारा गाँव 1.5 किलोमीटर दूरी पे पड़ेगा सर। अच्छा तो वहाँ गांव में कोई रह गया है तो सब चले आए भाई? ताला लगा है सर महोदय जी, ताला लगा है वहाँ, कोई नहीं है, मारे डर के कोई जाता नहीं है। यादव एक माता राम है बुद्धि, वो चल नहीं पाती हैं, तो एक दिन गाड़ी में लिवा लाए थे, लेकिन वो यहाँ जो है ना फिर वो गांव में ही रहती है, वहाँ घर में मतलब अकेले वो चल नहीं पाती। अच्छा चलिए ठीक है ठीक ठीक जय निशा।